Well, hello everyone, my name is Beargles and today I got stuck in this game called Minecraft. And guys, you know what, this game is more like a hell because there are too many mobs in it and they are always ready to kill you. So I will be trying my best to survive as long as possible. Bhai, hello, Hindi aati aapko? Okay. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देसी बीरगिल्स और मैं फंस चुका हूं इस माइनक्राफ्ट गेम में। एंड गाइस, ये गेम किसी नर्क से कम नहीं है बिकॉज यहां पर हर एक जीव आपकी जान लेने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा यहां पर ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सरवाइव करने की और आप और मैं इस सफर के हर एक मोड़ पे साथ रहेंगे। तो मैं देसी बीरगिल्स आप सबका स्वागत करता हूं मेरी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज में। तो लेट्स गो। वेल फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट गेम के अंदर एंड देखने में ही लगता है कि मेरा ये सफर काफी मुश्किल होने वाला है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात होते ही काफी खतरनाक जानवर दिखाई देते हैं। वो देखो, मुझे एक गाय दिखाई दे रही है। देखने में ये आपको काफी मासूम लग रही होगी लेकिन अगर आप इसके पास एक कदम भी गए तो ये आपको गंदी गंदी गालियाँ सुनाएगी। और वो लोग देख रहे हैं आप, ये यहाँ के आदिवासी हैं। इन्हें अपने इलाके में बिल्कुल भी इंसानी गतिविधियाँ पसंद नहीं है। लोग तो यहाँ तक के कहते हैं कि इनके पास एक बहुत बड़ा सांड है। और अभी हमें घूमते घूमते काफी समय हो चुका है और रात भी होने वाली है। मुझे लगता है अब हमें कहीं सही सी जगह देख के लैंडिंग कर लेनी चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये मेरे हेलीकॉप्टर से कैसी आवाजें आ रही है। ओह शिट, मुझे लगता है मेरे हेलीकॉप्टर का सारा फ्यूल खत्म हो चुका है। ओह शिट 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 शिट, ये हेलीकॉप्टर मेरे काबू के बाहर जा रहा है। मैं इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये है विंग्स के गेमिंग ईयरफोन्स जो कि क्वालिटी में यार बहुत ही ज्यादा सही है। एंड इनमें हमारे पास दो वेरिएंट्स है, हॉक और वल्कन। एंड यार इन दोनों की क्वालिटी ना बहुत ही ज्यादा सही है। इनमें काफी मस्त फीचर्स है, लाइक इनमें एकदम कम लेटेंसी है, मतलब यार गन शॉट की साउंड तो इंस्टेंटली सुनाई देगी। और इनमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड है फॉर बेटर गेम प्ले। और यार आपको इनमें मिल जाता है 25 घंटे का बैटरी बैकअप, मतलब अब तो बातें शाते अंधाधुंध करो। और भैया साउंड तो इतनी सही है ना कि गेमिंग से लेके नो वे होम के ट्रेलर तक सब सही सुनाई देता है। तो जरूर यार डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से विंग्स के ईयरफोन चेक करो और अपना फेवरेट वाला बुक करो। और हाँ, मैंने ना एक गिव अप भी ऑर्गेनाइज करा है जिसमें कि यू हैव टू टेल इन कमेंट्स कि हॉक और वल्कन में से तुम्हें कौन सा वाला पसंद आया। एंड यार 5 रैंडम लोगों को ये कूल ईयरफोन्स मिलेंगे। यार आज का तो दिन ही खराब है कसम से, मैं बता रहा हूँ। नहीं मतलब हमारा प्लेन क्रैश हुआ तो कहाँ पर, वो भी इस जंगल में। भाई पूरे माइनक्राफ्ट में और कोई जगह नहीं मिली क्या क्रैश होने के लिए। नहीं वैसे तो क्रैश होना ही नहीं चाहिए देखो, पर यार फिर भी मेरी तरफ से तो सोचो यार, मेरी पहली माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज है और उसमें मेरे साथ ये कल्याण हो गया। बट चलो कोई नहीं। और हाँ, मैं नाम का देसी बीरगिल्स नहीं हूँ, मैं अपनी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड होने वाला है बट छोड़ो यार, सहलेंगे थोड़ा सा। जंगल में यार हम फंस तो गए हैं लेकिन यार सबसे बड़ी बात, अभी तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और हमारी हेल्थ भी कुछ ज्यादा ही कम हो रखी है। तो सबसे पहले यार अपने लिए खाने पीने के लिए कुछ ढूंढ लेते हैं, अगर कुछ मिले इस जंगल में तो। अरे लो जी लो, नाम लिया और ये क्या चीज हाजिर हुई, एक मिनट से तोड़ के देखते क्या चीज है ये। ओह माय गॉड, ये तो बीज है किसी के, कोकोवा बीन्स। ठीक है भाई कोकोवा, ये कोकोवा तो वही होता है ना जिसकी चॉकलेट वगैरह बनती है। अरे इधर एक तालाब है, इस तालाब में मछलियां भी हैं। नाइस, चलो इन मछलियों को मार लेते हैं यार, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा तो हेल्थ वगैरह बढ़ जाएगी। अरे भागती कहाँ है, रुक जरा इधर आ। एक तो ये सांस बड़ी फूल जाती है यार पानी के अंदर। फूल गई, फिर फूल गई, गया मैं बेफालतू का मरने ही वाला हूँ यार कसम से, क्या कर रहा हूँ मैं। मुझे यार अभी मैं रुको, पहले थोड़ी सी मछली खा ही लेता हूँ, मेरी हेल्थ कुछ ज्यादा ही कम हो रखी है। अरे मैंने एक चीज तो नोटिस ही नहीं करी, देखो इस मछली का क्या नाम है, हमारी ये मछली तो सल्लू बाई की फैन निकली। और वैसे भी रात होने वाली है तो एक काम करते, कुछ लकड़ियां तोड़ के अपने लिए ना वुडन के टूल्स बना लेते हैं। मैं वुडन के टूल्स कह रहा हूँ, लकड़ियों के औजार बना लेते हैं। मेरी अंग्रेजी भी ना दिन पे दिन बेकार होती जा रही है, सही बता रहा हूँ मैं। भाई रात हो ही गई है ऑलमोस्ट और ये वैसे भी जंगल है, इधर बहुत ज्यादा मॉब वगैरह स्पॉन होंगे। मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। रुको मैं, ये दो मछली मुझे दिखी, मैं इन्हें जाके मार लेता हूँ। अब तो शायद से एक ही उसमें मर जानी चाहिए, मर जा, ये गई, हाँ एक ही उसमें मर गई अब तो। नाइस यार, ये मछली से तो ज्यादा हेल्थ बढ़ नहीं रही है। इन जंगलों में ना वो तरबूजे वगैरह भी होते हैं, वो मिल जाते हैं ना तो सही रहता। अरे नाइस नाइस, हमें तरबूजे मिल गए, ये रहे।
इन्हें तोड़ लेते हैं सारे के सारे। यार नसीब, मतलब जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो मुझे मिले जा रही है, क्या बात है। कम से कम कुछ खाने पीने के लिए तो मिला। और ये देखो सामने मेरे स्केलेटन खड़ा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, किसी पेड़ पे जाके चढ़ जाता हूँ, वरना नीचे तो ये मुझे रात भर में मार ही देंगे कोई ना कोई। आई गेस मुझे आज रात इधर ही रुकना चाहिए, वरना नीचे गया तो कोई ना कोई मुझे मार ही देगा। भाई एक चीज तो कहनी पड़ेगी, क्या ही मस्त नजारा आ रहा है यार, ये तारे और चांद क्या ही मस्त लग रहे हैं। The next morning. Good morning boys and girls. Finally सुबह हो गई है। और यार ये जंगलों में देखो ऐसी ही सुबह होती है, यहाँ पर बारिश होती रहती है, कभी कुछ होता रहता है। लेकिन यार मुझे पता है सबसे पहले ना एक चीज करनी पड़ेगी। आई गेस यहाँ पर मुझे शीप वगैरह तो कोई मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ही मुझे लगता है रेयरली यहाँ पर शीप वगैरह स्पॉन होती है। तो सबसे पहले तो यार हम ना अपने लिए एक टेम्पररी छोटा सा घर बना लेते हैं। ये पेड़ों पे कब तक रहेंगे, मतलब मैं सोच रहा हूँ कहीं एक छोटी सी गुफा बना लूँ, उस गुफा के अंदर रह लेंगे। गुफा हम कहाँ बनाएं, अरे ये पहाड़ से ही रहेगा। यहाँ पर एक अपनी ना छोटी सी गुफा बना लेते हैं, उस गुफा में ही रह लेंगे। एक तो पता है क्या, हमारे पास बेड वगैरह नहीं है ना, तो दिक्कत ये भी है। बेड अगर होता तो हम जल्दी से सुबह कर लेते सोके, लेकिन यार कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर भेड़ बकरी कुछ है नहीं, और भेड़ बकरी नहीं है तो हमारे पास वूल नहीं होगी, वूल नहीं होगी तो बेड नहीं बनेगा, समझ रहे हो। अच्छा मेरे ख्याल से ये जगह सही रहेगी एक अपने लिए छोटी सी गुफा बनाने के लिए। और वैसे भी रात, अबे इतनी जल्दी रात कहाँ होती है, अभी तो सुबह हुई थी। एक तो यार मेरे पास टॉर्च वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ दिखता नहीं है इतने अंधेरे में। आई थिंक अपनी गुफा बनाने से पहले ना अपने टूल्स को हम अपग्रेड कर लेते हैं स्टोन टूल्स में। एक काम करते हैं, पहले हम यहीं से थोड़े से स्टोन वगैरह ले लेते हैं। कहीं कोल वगैरह मिल जाता ना तो बहुत फायदा हो जाता यार, हमें रात में सब कुछ जगमग जगमग दिखता। मोमबत्तियां बना लेते हैं हम उससे बहुत सारी। अरे हमारे पास कोल नहीं है तो क्या हुआ, एक काम कर सकते हैं ना, अरे वो भट्टी में लकड़ी डाल के ना चारकोल बनता है, एंड उस चारकोल से ना मोमबत्तियां वगैरह बना सकते हैं। रुको एक पहले भट्टी बना लेते हैं, अरे मतलब वही अपनी फर्नेस। ये बना ली हमने भट्टी, अब इसमें हमें क्या लगाना है, अरे इसे हमें ऊपर लगाना था, नीचे लगाने थे। अब देखो ओ भाई साहब पूरे में फाइनली उजाला हुआ सारे में। ये देखो ये बन गया हमारा चारकोल, और इससे हमारी बन जाएगी टॉर्च। भाई देख रहे हो चीता मेरे साथ ही रहना चाहता है, मेरा पालतू बनना चाहता है। लेकिन यार मेरे पास मछलियां भी नहीं है, वरना इसे टेम कर लेते। You are right, bro. चलो अगर ये सुबह तक मेरे पास ही रहा ना तो मछलियां पकड़ के पहले इसे टेम कर लेंगे। और यार अब हमारे पास पत्थर बहुत सारे इकट्ठा हो गए, तो चलो जल्दी से स्टोन के टूल्स बना लेते हैं। और हाँ जल्दी से रहने के लिए ना अपनी एक छोटी सी गुफा बना लेते हैं, क्योंकि यार वूल वगैरह है नहीं, बेड वगैरह है नहीं, तो हमें इन्हीं में रह के गुजारा करना पड़ेगा। यार मैंने अभी रहने के लिए फिलहाल एक ये छोटी सी गुफा बना ली है। आई नो इतनी मतलब अच्छी तो लग नहीं रही है, बट हमारे पास कोई रिसोर्सेस थे नहीं तो ठीक ठाक सी बना ली। और वैसे भी यार मैं अभी कोई बढ़िया सा घर नहीं बनाना चाहता, मैं सोच रहा हूँ जंगल में एक बहुत ही बड़ी अपनी खुद की एक सिटी बनाए, तो फिलहाल के लिए हमारे लिए गुफा से सही काम चल रहा है। और वैसे भी यार रात में बहुत सारे मॉब स्पॉन हो जाते हैं, तो उन सबसे बचने के लिए फिलहाल के लिए ये गुफा ठीक है। मैंने इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं बनाया है, लेकिन इस छोटी सी गुफा में थोड़ी सी रोशनी कर दी है। और यहाँ पर अपने लिए चेस्ट वगैरह रख दिए जो कि अभी खाली पड़ी है, कुछ है नहीं इनके अंदर। और यहाँ पर मैं सोच रहा था थोड़ी सी माइनिंग कर लूँ, लेकिन मैं वो गुफा बनाने में ज्यादा ही व्यस्त हो गया, बट छोड़ो अब कर लेते हैं। मेरे पास पिकेक्स वगैरह है अभी, और स्टोन नहीं है। एक क्राफ्टिंग टेबल हम लेके चलते हैं जो बाहर रखा हुआ था, क्योंकि बार बार कौन लेके आए ये क्राफ्टिंग टेबल। मैंने वो रिसोर्स पैक भी बंद कर दिया, वो थोड़ा सा बेकार लग रहा था, नॉर्मल माइनक्राफ्ट वाली फील नहीं आ रही थी, तो मैंने वो भी बंद कर दिए। चलो अब यार माइनिंग पे चलता, टॉर्चेस लगाते हुए चलेंगे जो हमारे पीछे मॉब वगैरह कोई स्पॉन ना हो जाए। चलो यार देखते हैं हमारे माइनक्राफ्ट के पहले एपिसोड में ही हमें डायमंड मिलता है कि नहीं। अरे मेरे पास शवल नहीं है, मुझे शवल लानी चाहिए थी, तो हमें लेवल 12 पे जाना पड़ेगा, अभी लेवल 74 पे। और यार रुको एक मिनट, माइनिंग पे जाने से पहले तुम्हें याद है वो चीता था यार इधर ही कहीं, वो चीता मेरा अभी तक अगर वेट कर रहा होगा ना, कसम से बता रहा हूँ उसे अपना पालतू बना लूंगा। यार शायद से इधर ही कहीं था वो चीता, मुझे जहां तक याद है इस पेड़ के ऊपर मेरा वेट कर रहा था। क्या लगता है तुम्हें चला गया होगा क्या वो मुझे छोड़ के? नहीं
आई गेस वो इतनी, अरे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, मैं यही कहने वाला था कि आई गेस वो इतनी देर तक रुका हुआ था तो वो मुझे छोड़ के कैसे चला जाएगा। रुको इसे ना टेम कर लेते हैं आई गेस। अरे रुको अब ये कहीं भागेगा भी नहीं, ये फंस चुका है इधर। रुको 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 मैं इसको और कैसे फंसा सकता हूँ। रुको फिर भी हम ना इधर ये लगा देते हैं स्टेयर्स वगैरह जो ये भाग के ना जाए। हो गया, देखो हम पहले जाके ना थोड़ी सी मछलियां मार लेते हैं और फिर इसको टेम कर लेते हैं। हमें काफी सारी मछलियां मारनी पड़ेगी क्योंकि एक आदमी तो इसका कुछ नहीं होने वाला, इसके नखड़े बहुत हैं। अरे सलमान भाई की मछलियों को मारने से बोन मिल भी मिलता है क्या? नाइस रे। मछली 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 कहाँ पर है तू मछली? अरे ये रहा पूरा परिवार है, पूरे परिवार को ही मारेंगे, टेंशन ना। थोड़ी बहुत और मछलियां मिल जाती ना सही रहता, मुझे लगता नहीं है 10-12 मछलियों से वो हमारा चीता हमारा पालतू बन जाएगा। अरे मेरी सांस फूल गई दोबारा। तो मुझको 14 मछलियां मिल गई है, देखते हैं इन 14 मछलियों को पका के उसको खिलाते हैं, क्या पता टेम हो जाए हमसे सिर्फ 14 मछली। भाई मैंने कभी इन चीता वगैरह को पाला तो है नहीं, पर देखते हैं क्या ये टेम होने के बाद भी भागेगा या फिर मेरे साथ ही रहेगा जीवन भर। फर्नेस तो है नहीं मेरे पास, इस पे पका सकते हैं क्या? तो हाँ पका सकते हैं। अरे नाइस नाइस, बिल्कुल भाई बियर गिल्स वाली फील आ रही है मछलियों को इस पे कैंप फायर पे पका के। अरे ये एक हड्डी का चूरा मिला था उन सलमान भाई की मछली को मार के, इनसे होगा क्या? घास पे लगा के देखूं। ओ ओ भाई गजब, अरे ये तो बड़ा सही है। अच्छा बोन मिल को अगर हम घास पे डालते तो ये ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं क्या? नाइस यार, यार अब ज्यादा अच्छी लग रही है पता है हमारी गुफा, ये फूल पत्ती उग गई तो। ये देखो इन्हें देखो महाराज को, ये ऊपर चढ़ना चाहते हैं क्रीपर बट चढ़ नहीं पा रहे। क्रीपर ना बस यहाँ पर फटना नहीं चाहिए। अरे लो फटी गया, मैं बोल रहा था फटना नहीं चाहिए और फटी गया। अभी सारा दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा। रुको पहले सबसे पहले उसे जाके ना टेम कर लेते हैं। कहाँ गया? ए ओ भाई हेलो, कैसे भाई? कुछ भी हो रहा है मतलब माइनक्राफ्ट में? अबे मैंने उसे यहीं तो छोड़ा था, यहीं तो कैद करा था, कैसे भाग गया? डिस्पॉन तो हुआ नहीं होगा, मैं बहुत जल्दी मछलियां पकड़ के लाया हूँ। भाई यार क्या स्कैम करते हैं माइनक्राफ्ट वाले। लो और मैं ऊंचाई से और गिर गया। अब पहले तो इसे भी रिपेयर करना, ये सब मैं बाद में आके रिपेयर करूंगा। चलो सबसे पहले अपनी माइनिंग करने के लिए जाते हैं। यार एक दिक्कत है, मैं सोच रहा था यहाँ से माइनिंग स्टार्ट करूँ लेकिन ये जो मैंने गुफा खोदी है ना ये पहाड़ से सीधा बाहर जा रही है। एक काम करते हैं, मैंने इसको सीधा लेवल 12 तक डिग करता हूँ और फिर वहीं पर माइनिंग स्टार्ट कर देंगे अपनी। चलो दो पिकेक्स तो है हमारे पास काफी है, एक काम करते हैं हम सीधा लेवल 12 तक डिग करते हैं। बस यार मेरे नीचे ना बस लावा ना निकल जाए तो दिक्कत हो जाएगी, जितना भी मैंने ग्राइंड कराया ना सब मेरा बर्बाद हो जाएगा। एक काम करते हैं हम दो दो ब्लॉक करके नीचे जाते हैं, जो एक साइड लावा आए तो पता लग जाए, ऐसे करके माइन करते हैं। अरे आजू बाजू कहीं लावा है, मुझे साउंड तो आ रही है, मैं लावा में ना गिर जाऊं। रुक जाओ लेवल 19 आ गई ना, हमें लेवल 12 तक जाना है। 7 ब्लॉक और आ गई लेवल 12, बस हमें इससे आगे नहीं जाना। भाई जरा देखो ऊपर कितना नीचे आ गया मैं। अब एक काम करते हैं यहीं से माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि लेवल 12 पे ही ना अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। ओ ये रहा लावा। एक काम करते हैं अपने लिए ना जल्दी से बाल्टी बनाकर पानी लेके आते हैं। अरे मेरा आयरन सारा आयरन हो गया रेडी, नाइस। ये बन गई हमारी बाल्टी लेकिन वाटर नहीं है हमारे पास, वाटर लेके आना पड़ेगा। तो पानी तो लेके आ गया हूँ मैं लेकिन देखो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। मैंने ना यहाँ पर अभी बच गया, मैं गिरता इतनी ऊंचाई से नीचे। हाँ तो मैंने ना इधर टॉर्चेस लगा दी, पूरा अंधेरा ना गायब हो गया। बीच बीच में गड्ढे करके वहां पर टॉर्च फिट कर दी मैंने। इस साइड से हम चढ़ेंगे और इस साइड से हम नीचे जाएंगे। यहाँ से मैं पानी गिर देता हूँ जो पूरी नीचे तक ये चली जाए। नाइस, गई ना नीचे तक। और इधर हम गिरेंगे बिल्कुल नीचे, जो ऊंचाई से कूदे और सीधा लेवल 12 पे पहुंच जाए। एंड अब हमें ये वाली बाल्टी, अरे पानी नीचे वहां पर कैसे चला गया? हेलो, ओ मैं सोच रहा था यहाँ से वाटर बकेट मारूं लेकिन मेरा काम तो आसान हो गया। यार अभी हम लेवल 11 पे और मुझे लगता है इधर ही मिलेगा कहीं आसपास डायमंड। रुको इधर पानी डाल के ना पहले ऑब्सीडियन बना लेते हैं। बट ये पता है लावा का एक फायदा भी है ना, पूरा उजाला उजाला रहता है इनकी वजह से। चलो यहीं पर ना माइनिंग शुरू कर देते हैं, क्या पता हमारे पहले एपिसोड में ही हमको डायमंड मिल जाए। अच्छा मच लेटर, मच लेटर। इनसे मेरी पहली माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज है तो यार मैंने इसमें अपनी बेस्ट बेस्ट चीजें बनाने वाला हूँ। लेकिन देखो आज का एपिसोड तो बहुत ही नॉर्मल रहेगा बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग का एपिसोड है, ज्यादा कुछ हम करेंगे नहीं। बट हाँ फिर भी हमने एक गुफा वगैरह तो बना ली है, लेकिन आई गेस नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ अपने घर वगैरह बिल्ड वगैरह करें अच्छे से। अरे हेलो, ये मैं किधर आ गया भाई साहब? यहाँ पर एक केव है, इस बार ये सच्ची में केव है, पहले की तरह कोई धोखा नहीं है। रुको इधर ना पहले मैं पानी गिर दूं थोड़ा सा, कहीं पता लगे मेरा भुट्टा बन जाए जल के। अरे नाइस, ये बहुत बड़ी गुफा है यार। रुको पहले वाटर का सोर्स,
अरे वाटर का सोर्स, एक काम करते हैं रुको। अरे नाइस, थोड़ा सा सोना मिला इधर। ओ भाई हेलो, ये क्या चीज है? हेलो, पॉइंटेड ड्रिपस्टोन, इससे कुछ होता है क्या? ड्रिपस्टोन से, अच्छा चार इससे बनेगा ड्रिपस्टोन ब्लॉक। भाई ये बहुत बड़ी केव है, छोटी मोटी नहीं है। नाइस, उधर क्या है? ओ वहां पर कुछ पड़ा हुआ था। अरे वो देखो, वो कोई चीज पड़ी हुई है वहां पर, जाके देखते हैं क्या है। अरे ये क्या मिला हमें? ग्लो इंक सैक। ग्लो, अच्छा ये तो ग्लो स्क्विड जो आया है 17 में, उसके मरने से मिलता है ना। लेकिन बेचारा मरा कैसे थे? ऊपर था क्या ये? ऊपर जाके देखते हैं मेरे ख्याल से और ग्लो स्क्विड वगैरह हुए तो। ओ हेलो हेलो, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमें मिल चुकी है माइनशाफ्ट दोस्तों, और माइनशाफ्ट में मिलता है क्या? खजाना दोस्तों। अब नेम टैग्स वगैरह मिल जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। यार ये माइनशाफ्ट थोड़ी सी डिफरेंट नहीं लग रही? वरना ये सब कब से आने लग गया यार माइनशाफ्ट में? चेन वगैरह लगी हुई है। लेट्स सी वो खजाने की पेटी कहाँ है। खजाना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी हमारे लिए। अरे मेरे पास खाना भी नहीं है, मेरे पास बस साथ ही सलमान भाई की मछलियां पड़ी हुई है। ऐसे यहाँ पर मिलेगा हमें खजाना? अरे खजाना नहीं, ये तो क्रीपर चाचा मिल गए। एक काम करते हैं, फट जाए ना तो सही रहेगा। ओ भाई कैसे भाग क्या रहे? हेलो यार, इसमें कुछ गलती है मुझे लग रहा है गेम में। अरे हमें माइनशाफ्ट मिली है तो एक चीज बढ़िया हो गई हमारे लिए, हम ना ये मकड़ी के जाले तोड़ लेते हैं, हम अपना एक बेड बना पाएंगे और फिर फाइनली चैन की नींद सो पाएंगे। एक स्पाइडर स्पॉनर भी था, हमें वहां से बहुत सारे मकड़ी के जाले मिल जाएंगे। ये देखो वो रहा स्पाइडर स्पॉनर। यार यहां से ना हमें बहुत सारे मकड़ी के जाले मिल जाएंगे, लेकिन एक दिक्कत है, बस यहां पर ना ये जहर वाली मकड़ियां पैरा दे रही हैं। आ गई। देखा, नाम लिया और मकड़ी हाजिर। आते इसने जहर वाला। ओह शिट भाई साहब, क्या ही डैमेज दे रही है। गई। ओ भाई साहब कितना गंदा डैमेज दिया यार इसने। अरे ऊपर एक और स्पॉनर है क्या? ओ शिट, इधर दो स्पॉनर है। अरे अरे अरे, हेलो हेलो हेलो, उस मकड़ी को क्या हो गया? ये कौन सा डांस कर रही है? अरे अरे अरे, आ गई। अरे नाराज हो गई घूमर डांसर, रुक जा अभी तेरे को बताता मैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा रिस्क लेके तोड़ेंगे। अरे अरे ज्यादा ही मिल रहे हैं इधर तो, कुछ अभी कोई स्पॉन नहीं हुई मकड़ी, ये गजब बात है हमारे लिए। ओ भाई ये सारी मकड़ी सो रही है क्या यार? अभी तक एक भी नहीं आई। भाई साहब शेर के मुंह में से उसका निवाला छीन के आया हूँ यार मैं। कितनी मेरे पास स्ट्रिंग्स हो गई? 31। नाइस भाई, अब आराम से हमारा बेड बन जाएगा, फाइनली सोऊंगा यार मैं। तो चलो अब खजाना लूटा जाए जाके। भाई पता नहीं कहाँ पर रखते हैं सारी तिजोरी छुपा, कहीं कहीं तो होती है, यहीं कहीं तो मिलेगी। ये रही, हमें क्या मिला है? हमें रोटियां मिली है, हमें मिले हैं खजूर। नाइस, हमें मिले हैं गोल्डन एप्पल। एंड यार एक मिनट रुको, इधर से ना कहीं आजू बाजू से ऐसी आवाज आ रही है जैसे स्पार्कलिंग सी, जैसे छन छन सी हो रही हो, पता नहीं इधर ही कहीं से आ रही है। ओ एक मिनट, हेलो 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 हेलो, यहाँ पर मैंने कुछ देखा यार, यहाँ पर कुछ है पक्का। ओ शिट भाई, ग्लो स्क्विड है इधर तो, लेकिन इसे मारने से शायद से हमें यही मिलेगी ग्लो इंक जो भी होती है। अरे कैसे? अरे एक मिनट हेलो, यहाँ पर एक और चीज है। ओ भाई ये एक्सेलोटल है इधर। नाइस यार, शायद से इसको हम पकड़ सकते हैं बाल्टी के अंदर अगर ये। ओ भाई ये स्क्विड को मार, व्हाट भाई ये क्या देखा मैंने अभी, इसने स्क्विड को मार दिया, उसको ग्लो स्क्विड को। भाई इसको तो पालना ही चाहिए कसम से, मेरे पास नेम टैग भी, इसका नामकरण भी कर देंगे। रुको रुको, इसको पकड़ लेते हैं बाल्टी में जल्दी से। यार एक जगह टिकती नहीं है, मैंने सुना था बकेट के अंदर इसको पकड़ तो सकते। ओ हो गई, पकड़ लिया फाइनली, हमें हमारा पहला पेट मिल चुका है, और वो पेट इतना बढ़िया है कि वो बाल्टी के अंदर समा जाता है। भाई इस एक्सोलोटल को लेके ना जल्दी से अपने घर पे चलता है, वहां पर जाके इसके लिए एक छोटा सा ना तालाब बना देंगे जहां पर ये प्यार से अपना जीवन बिताए। यार एक काम करते हैं, ये कैंप फायर वगैरह तोड़ के ना इधर एक छोटा सा तालाब सा बनाते हैं और उसमें डाल देते हैं इसको, अपनी एक्सोलोटल को। ये आ गई हमारी एक्सोलोटल। नाइस, अब ये यहाँ पर घूमती रहेगी, लेकिन यार कसम से बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है ये। एक काम करते हैं ना, नेम टैग से इसका नाम रख देते हैं, लेकिन यार हमें नेम टैग के लिए एनविल वगैरह भी बनानी पड़ेगी। रुको जल्दी से थोड़ा बहुत आयरन माइन करके आ जाता है और इसका नामकरण कर देते हैं। मतलब अब तो हमारे पास 41 आयरन हो गया, एक एनविल आराम से बन जाएगी। यहाँ लगाते हैं हम आयरन को पिघलाने पे। ये हो गया हमारा सारा का सारा आयरन रेडी। ये लगा दिया हमने 3 ऊपर और ये हमने लगा दिया ऐसे, और बन गया हमारा एनविल। नाइस। एंड यार माइनशाफ्ट लूटने से हमें ये नेम टैग भी मिल गया था, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी एक्सेलोटल का कुछ नाम रख दूं। मेरे हिसाब से ज्यादा सोचते नहीं है, इसका नाम निब्बी रख देते हैं। देखो यार निब्बी नाम रखने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो है नहीं, पर तुम यार खुद देखो ये क्या बेचैनी से इधर उधर तैरे जा रही है एक निब्बे की तलाश में। चलो अब इसको ये नेम टैग लगा देते हैं। आ गई इधर, आ ओ रख दिया फाइनली। लो ये रही हमारी निब्बी। अब हमें ना नेक्स्ट एपिसोड में इसके लिए एक निब्बा भी ढूंढ के लाना पड़ेगा।
एंड तुम जरा इन तोतों को देखो भाई, क्या मजे से नहा रहे भाई पानी में। ये सही है भाई, सब मजे ले रहे हैं, बस मैं देसी बियर गिल्स इधर संघर्ष कर रहा हूँ। और हाँ, हमने माइनशाफ्ट वगैरह लूटी थी, हमारे पास ये मकड़ी के जाले भी तो हैं। चलो एक काम करते हैं यार, इतने दिनों से मेरे कितने दिन हो गए एक बार चेक करते हैं। भाई साहब डे 14 चल रहा है और अभी तक मेरे पास बेड नहीं है। रुको रुको, एक बेड बना लेते हैं अपने लिए जल्दी से। तो उसके लिए हमें ऐसे करके एक हम, हाँ ये बन गए वूल ब्लॉक। अब हम जल्दी से अपने लिए एक बेड बना लेते हैं। मेरे पास लकड़ियां रखी हैं, हाँ है लकड़ियां हैं। ये हमने बनाए प्लैंक्स और ये हमारा बन गया बेड। आई गेस मुझे यहीं पर बेड लगाने लेना चाहिए। वैसे केव में बाहर लगा सकता हूँ, लेकिन यार पूरी लुक बेकार हो जाएगी इस केव की। ओ भाई साहब, फाइनली हमारे पास रहने के लिए ठिकाना है। मुझे लगा था मेरा एरोप्लेन क्रैश हुआ, मैं तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, एक गुफा बना लिया अभी छोटी सी, और अब हमारे पास बेड वगैरह भी आ गया। एंड चलो यार, बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। मैं जा रहा हूँ सोने, इतने दिन हो गए। देखो डे 14 हो गया है और अभी तक हम सोए नहीं है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। ये मेरा बेडरूम है, तुम्हें मतलब ठीक ठाक बेडरूम है। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे पास बहुत काम है, हमें खाने पीने के लिए खेत वगैरह बनाना है, हो सका तो अपना घर भी बनाएंगे और काफी अच्छी अच्छी चीज करेंगे। लेकिन ये हमारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज है, तो बड़े आराम आराम से एंजॉय करते करते करेंगे, 100 डेज की तरह रश नहीं मचाएंगे। तो चलो बाय बाय यार, अगले एपिसोड में मिलेंगे। मैं जा रहा हूँ अब सोने। अरे तुम अब तक गए नहीं? अच्छा सॉरी, अरे मैंने वो तो बोला ही नहीं। तो चलो मिलते हैं यार अगले मजेदार एपिसोड में, तब तक के लिए तुम फूको।